और सीजल टायर वन के पेपर के बारे में जो हुआ था 9-1 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में। तो पहला हमारा है बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द बिलो मीनिंग, मतलब कि हमें सिनोनिम्स ढूंढना है। तो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो है रिसेप्टिकेबल। रिसेप्टिकेबल मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट टू यूज़ एज अ कंटेनर और समथिंग, मतलब कोई ऐसा वस्तु या ऐसी चीज़ जो कि एज अ कंटेनर की तरह यूज़ हो जाए जिसमें कोई सामान रखा जा सके। ठीक है, तो जो हमारा इसमें पहला वर्ड है वो है कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट मतलब होता है कोई डब्बा या कोई ट्रेन का कोच। ठीक है, सेकंड हमारे पास होल। होल मतलब होता है सुराख या छेद। नेक्स्ट हमारे पास फ्यूनल। फ्यूनल मतलब होता है जिसे हम हिंदी बोलते हैं कुप्पी या फिर एक पिरामिड टाइप का शेप। ठीक है, और जो हमारे पास कंटेनर, मतलब कंटेनर मतलब कोई ऐसा बक्सा जिसमें हम कोई सामान रख सके। तो इसका हमारा आंसर है सी, कंटेनर। नेक्स्ट हमारे पास अपोजिट मीनिंग ढूंढने का, तो इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो है वैनिटी। वैनिटी मतलब होता है दिखावा करना या घमंड करना, या फिर जो लोग होते हैं सेल्फ लव, मतलब जो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं कि मतलब मैं ही मैं हूँ बाकी कोई नहीं है, और एम्प्टीनेस, ये सब इसके सिनोनियम्स हैं। जो हमारे पास ऑप्शन में दिए गए, पहला वर्ड है प्राइड। प्राइड मतलब होता है गर्व करना या फिर घमंड करना। घमंड भी होता है एक तरीके से, पर गर्व ज़्यादा अच्छे से यूज़ होता है इसके लिए। और इसके सिनोनियम्स होंगे सुपरबिया या फिर प्लूमी। प्लूमी तो और नेक्स्ट, मतलब ये तो हमारे काइंड ऑफ सिमिलर वर्ड हो गया। ठीक है, हमें ढूंढने का अपोजिट वर्ड। नेक्स्ट हमारे पास लव। लव मतलब भी अपने आप से प्यार करना या अपने को अच्छा समझना, तो इसमें ये भी नहीं होगा कि काइंड ऑफ सिमिलर सिमिलर वर्ड हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास करेज। करेज मतलब होता है ब्रेव, तो ये तो कहीं से कहीं तक मैच ही नहीं करता। नेक्स्ट है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब होता है नम्रता या किसी का अपमान करना, तो ये दिखावे का उल्टा क्या होगा, अपमान करना या फिर किसी को ह्यूमिलेट करना। नेक्स्ट हमारे पास करेक्टली स्पेल वर्ड ढूंढने हैं, तो जो हमारे में क्वेश्चन वर्ड है वो है एक्विजिशन। एक्विजिशन की स्पेलिंग होती है acquisition, एक्विजिशन मतलब किसी चीज़ को एक्वायर करना। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स होंगे स्किल्स, अकम्प्लिशमेंट या फिर अनअटेनमेंट। जो हमारे पास जो सही स्पेलिंग है वो ऑप्शन सी में दी गई है। नेक्स्ट वर्ड है फाइंडिंग एरर का। फाइंडिंग एरर में हमें इस मिक्स जिस पार्ट में एरर है सेंटेंस की वो पार्ट ढूंढना है। तो जो हमारे पास पूरा सेंटेंस है, आई सक्सीडेड परस्यूडिंग हिम टू कम विद मी ओनली आफ्टर आवर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, मतलब कि जो इसमें ये सक्सीडेड लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सक्सीडेड के लिए सक्सेसफुली होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो हमारे पास गलत पार्ट है वो है हमारा ए सेक्शन गलत है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है वर्मिन डज मच हार्म टू क्रॉप्स, मतलब कि जो कीड़े मकौड़े होते हैं वो ज़्यादा हार्म करते हैं। तो यहाँ पे जो मच है, ठीक है, यहाँ पे मच की जगह पर सुपरफ्लूस डिग्री आनी चाहिए जिस विच इज मोर। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास फिलर्स वाला सेक्शन है। फिलर्स में हमारे पास है लाइट इज डैश देन साउंड, मतलब लाइट क्या है वो तेज है, तो यहाँ पे आएगा फास्टर। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन भी दिया हुआ है मोर फास्टर। मोर फास्टर क्या होगा, सुपर फ्लूस हो जाएगा कि मोर भी और फास्टर भी, जबकि फास्टर अपने आप में तेज होता है, बहुत तेज होता है, सबसे तेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास द मैन डैश फॉर द पर्पज नेवर डिड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, मतलब तो इसमें क्या है जो द मैन एम्प्लॉयड, ठीक है, मैन एम्प्लॉयड फॉर पर्पज नेवर डिड व्हाट ही वाज एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट हमारे पास देयर वॉज अ सीरियस डैश बिटवीन द टू ब्रदर्स, ठीक है, तो दो भाइयों के बीच में सीरियस क्या हुआ, तो जो ऑप्शन वर्ड है वो है अल्टरकेशन मतलब होता है झगड़ा। ठीक है, एब्रेशन मतलब होता है डिसऑर्डर या फिर डेवियंस मतलब कोई असमानता, बेसिकली जो थोड़ा मेंटल डिसऑर्डर के लिए यूज़ होता है वर्ड, तो दो भाइयों के बीच मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन मतलब होता है रिवाइज करना, चेंज करना या फिर किसी चीज़ को मॉडिफाई करना। अल्ट्रेशन बेसिकली अब मिलावट के लिए भी होता है, तो दो भाइयों के बीच मिलावट तो होगी नहीं, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी कि दो भाइयों के बीच क्या हुआ, झगड़ा हुआ। नेक्स्ट हमारे पास idioms एंड phrases का, जो हमारा पहला idiom है वो है टू गिव वंस एयर्स, मतलब कि बिहेव arrogantly, मतलब किसी से बुरी तरह से बिहेव करना। ठीक है, नेक्स्ट है एट अ स्टोन थ्रो, मतलब किसे पत्थर फेंकने की दूरी पर, यानी कि मतलब एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब आपने जिस पत्थर फेंकते हो कितना दूर होगा, थोड़ी दूर होगा, तो मतलब एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की जड़। ठीक है, तो इसका है कॉजेज ऑफ क्वेरल। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन देंगे अ डिलीशियस नॉन वेज आइटम, तो वो तो है नहीं, आइटम विच मेड दैम कंटेंट, ये भी नहीं होगा। अ लिंक बिटवीन दैम, ये भी नहीं होगा, इसका होगा अ बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की जड़। नेक्स्ट अ पर्सन हु हैज लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब ऐसा व्यक्ति जो लॉ के प्रोटेक्शन से दूर चला गया हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आउटलॉ। ठीक है, इमिग्रेंट मतलब बेसिकली होता है जो किसी दूसरे देश में जाकर रहता है, ऑर्फन होता है अनाथ, तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा, मतलब डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ करना या फिर उनका
उनको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना। तो जेरोक्सिंग का मतलब होता है उसकी फोटो कॉपी बनाना, डिक्टो कॉपी बनाना, ठीक है। कॉपिंग का मतलब भी कॉपी बनाना होता है। लैमिनेटिंग मतलब उस चीज़ को सेव करना, या कुछ उसको लैमिनेट मतलब उसको पन्नी वन्नी चढ़ा के उसको सेव कर देना। फॉर्जरी मतलब होता है धोखेबाजी या फिर डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़। तो उसका आंसर होगा बी, फॉर्जरी। नेक्स्ट है टू मेक अटॉनमेंट फॉर वन साइन, मतलब किसी के जो पाप की हैं उसका प्रायश्चित करना या फिर उसकी क्षतिपूर्ति करना। तो इसका जो वर्ड होता है उसको बोलते हैं एक्सपाइट, मतलब किसी के पापों की क्षतिपूर्ति करना। रिनाउंस मतलब होता है गिव अप कर देना, ठीक है। वैलेट इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो गिव अप, वैलेट, ये सब होंगे। नेक्स्ट है रिमोन्स्ट्रेट, रिमोन्स्ट मतलब आपत्ति करना या विरोध जताना किसी चीज़ का। एक है रिसेंट, रिसेंट मतलब रिकेंट मतलब होता है अस्वीकार करना किसी को या फिर रिलिंग्विश करना। फॉरस्वेयर, रिसाइल, एब्जोर, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हमें जो एक अप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना है, अगर कोई वर्ड है अदरवाइज में आएगा नो इम्प्रूवमेंट। तो है बॉयज, द बॉयज एब्सेंटेड हिम देमसेल्फ फॉर टू डेज। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं वर एब्सेंटेड, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। एब्सेंटेड भी खाली नहीं आएगा, हैड एब्सेंटेड भी नहीं होगा, तो इसमें आएगा हमारे पास नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है ही बिगन ऑन अ न्यू बिजनेस वेंचर। तो बिगन मतलब लाइक यहाँ पे आ तो स्टार्ट होता तो वो सेंटेंस बनता। बिगन मतलब काइंड ऑफ पास फॉर्म चली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसमें आएगा इम्बार्क, इम्बार्क मतलब होता है उसने शुरू किया, आरंभ किया, ठीक है। ओपन तो मतलब आपने कोई चीज़ खोली है, तो ये अगर आप शॉप वगैरह खोलते हो या शोरूम खोलते हो तो वो ज़्यादा इस चीज़ में अप्रोप्रिएट होता, ठीक है। तो होप यू गाइज लाइक दिस, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।